दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडिया के फ्यूचर स्टार यानी कि विक्रम प्रताप सिंह के बारे में। दोस्तों ये जो खिलाड़ी है बहुत ही ज़बरदस्त खिलाड़ी है और आने वाले दिनों में लगभग ये तय है कि ये भारतीय फुटबॉल टीम के लिए खेलते हुए दिखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग सभी लोग को बताना चाहूँगा एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ के बारे में, जो कि है कि मैंने यहाँ पे डेली ब्लॉग्स लिखने स्टार्ट किए हैं एक वेबसाइट के लिए, जहाँ मैं इंडियन फुटबॉल के बारे में लिखता हूँ और साथ में ही बहुत ही सारी फुटबॉल से रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़ देता हूँ आप सभी लोग के लिए। तो जो भी लोग अभी तक मुझसे वहाँ पे नहीं जुड़े हैं, जिनको डेली अपडेट्स चाहिए फुटबॉल के बारे में, ट्रांसफ़र न्यूज़ वगैरह जो भी आपको चाहिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैं डेली यहाँ पे ब्लॉग्स अपलोड करूँगा, तो प्लीज़ आप जाके उसको पढ़िएगा। 2 से 3 ब्लॉग जो कि मैंने अभी तक अपलोड किए हैं उनके लिंक्स मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे भी मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों विक्रम प्रताप सिंह यहाँ पे बेसिकली चंडीगढ़ के रहने वाले हैं और अब भी यहाँ पे लगभग 2 सीज़न से वो इंडियन एरोज़ के लिए खेल रहे थे। लेकिन फ़िलहाल न्यूज़ आ रही है कि उनको यहाँ पे सर्जियो ओलिवेरा ने मुंबई सिटी FC में यहाँ पे साइन किया है, यानी कि वो अब सर्जियो ओलिवेरा के अंदर खेलते हुए दिखेंगे मुंबई सिटी FC के लिए। दोस्तों ये जो खिलाड़ी है वो आने वाले दिनों में सुनील छेत्री का रिप्लेसमेंट साबित हो सकता है, या कि हम बोल सकते हैं ये सुनील छेत्री के साथ खेलते हुए भी दिख सकते हैं फॉरवर्ड के रोल में। ये खिलाड़ी दोस्तों एज अ विंगर खेलता है, ये दोनों विंग्स पे ऑपरेट कर सकता है लेकिन मेनली एज अ राइट विंगर खेलते हैं ये, और एज अ सेंटर फॉरवर्ड फिलहाल इंडियन एरोज़ के लिए खेल रहे हैं। और 2018-19 सीज़न इनके लिए एक शुरुआती सीज़न था जहाँ पे इन्होंने डेब्यू किया था इंडियन एरोज़ के लिए, और वहाँ पे उन्होंने 13 मैचेस खेले थे जहाँ पे उन्होंने 1 गोल दागा था। वो तो उनका शुरुआती सीज़न था, लेकिन दोस्तों जो दूसरा सीज़न हुआ 2019-20 जो कि अभी ख़त्म हुआ है आई लीग का, वहाँ पे उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन किया जहाँ पे उन्हें 14 मैचेस खेले और 4 गोल किए इंडियन एरोज़ के लिए। अब इंडियन एरोज़ के लिए गोल करना, बस 4 गोल किए तो मैं बोल रहा हूँ कि इतना अच्छा प्रदर्शन किया, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों इंडियन एरोज़ जो है वो बस यहाँ पे यंगस्टर्स को खिलाती है, यानी कि जितने भी टैलेंट्स दिखते हैं यहाँ पे स्काउटर्स को AIFF के, वो यहाँ पे इंडियन एरोज़ में जाते हैं जो टॉप टैलेंट्स रहते हैं, और वहाँ से बहुत ही यंग खिलाड़ी रहते हैं 16, 17, 18, 19, 20 साल के, और वो यहाँ पे खेलते हैं इंडियन एरोज़ के लिए। ये जो टीम है दोस्तों दूसरे टीमों से कॉम्पिटिट करती है आई लीग के, जैसे ईस्ट बंगाल, निरोका FC, मोहन बगान जो कि पहले यहाँ पे आई लीग में खेलती थी, अब ATK के साथ मर्ज हो चुकी है एज अ ATK मोहन बगान, लेकिन पहले जब वो आई लीग में खेलती थी तो उसके खिलाफ भी यहाँ पे इंडियन एरोज़ खेलती थी। जितने भी यहाँ पे आई लीग की टीम है सब के साथ खेलती है इंडियन एरोज़। और ये जो टीम होती है दूसरी टीमें यानी कि ईस्ट बंगाल, मोहन बगान, उनके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस प्लेयर्स होते हैं जो कि इंडियन को भी रिप्रेजेंट कर चुके रहते हैं, और बाकी कुछ ऐसे खिलाड़ी भी रहते हैं जो कि फॉरेन से रहते हैं और बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं, फिजिकली भी मजबूत रहते हैं। तो उनके खिलाफ अगर कोई खिलाड़ी यहाँ पे 4 गोल दाग रहा है तो सच में उसके पास यहाँ पे पोटेंशियल है, और बस वो अभी 18 साल के हैं। तो ये जो खिलाड़ी है दोस्तों वो आने वाले दिनों में भारतीय फुटबॉल के लिए एक बहुत ही बड़ा स्टार बन सकता है। ये इंडिया अंडर 16 टीम के लिए भी खेल चुके हैं और अभी फ़िलहाल इंडिया अंडर 20 टीम के यहाँ पे वो पार्टिसिपेंट है और फिलहाल उस टीम से खेल रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में यहाँ पे गोल स्टीमेश इनको कॉल कर सकते हैं, क्योंकि मुंबई सिटी FC ने यहाँ पे इनको कॉल किया है अपने टीम में, और अगर वहाँ पे उनको चांस मिलता है, मैं यही बोलूँगा कि आई लीग में यहाँ पे भारतीय खिलाड़ी को यहाँ पे चांस मिलना चाहिए। आप देख सकते हैं कोमल थथल को यहाँ पे बस 1 अपीयरेंस मिला, बस 6 मिनट का अपीयरेंस मिला 2019-20 सीज़न में ATK के लिए, और कहाँ से वैसा खिलाड़ी दोस्तों जिसके पास टैलेंट था, जिसको कभी यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड स्काउट कर रही थी अपने लिए, उसको यहाँ पे ATK में बस 6 मिनट का यहाँ पे टाइम मिल रहा है पूरे सीज़न में। तो आप समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल भी अच्छा सिस्टम नहीं है। भले यहाँ पे ATK जो है वो ट्रॉफी जीती, लेकिन अगर आप इंडियन टैलेंट्स जो कि यंग टैलेंट्स हैं उनको आप नर्चर नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी टीमों का। मैं यहाँ पे ATK का विरोध नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने बहुत ही अच्छा खेल का प्रदर्शन किया, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कोमल थत्तल एज अ फॉरवर्ड खेलते हैं, लेकिन उसके पास एज अ फॉरवर्ड डेविड विलियम्स और रॉय कृष्णा थे, तो वहाँ पे यहाँ पे कोमल थत्तल को वो एडजस्ट नहीं कर पाए, या कि कोई भी मैच में यहाँ पे चांस नहीं दे पाए, एक मैच में चांस दिया बस 6 मिनट के लिए, तो वहाँ से यहाँ पे नर्चर नहीं होंगे टैलेंट्स। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे ISL को, आई लीग को और इंडियन क्लब्स को भी, अगर उनको यहाँ पे टैलेंट्स को नर्चर करना है। BFC बेंगलोर यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम करती है यहाँ पे इंडियन टैलेंट्स को नर्चर करने में, तो उनसे यहाँ पे सभी क्लब्स को सीखने की ज़रूरत है कि कैसे हमें यहाँ पे इंडियन टैलेंट्स को नर्चर करते हुए अपनी टीम का भी परफॉर्मेंस यहाँ पे बनाए रखना है।
दोस्तों अगर हम बात करें विक्रम प्रताप सिंह के बारे में, तो विक्रम प्रताप सिंह जैसा कि हमें चाहिए कि आने वाले दिनों में हमें सुनील छेत्री का रिप्लेसमेंट चाहिए भारतीय फुटबॉल टीम में, तो उसके लिए विक्रम प्रताप सिंह एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। विक्रम प्रताप सिंह ड्रिबलिंग स्किल्स में मास्टर्स हैं और फिज़िकली भी बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। फिलहाल 18 साल के हैं और बहुत ही ज़्यादा फिट भी हैं। अगर आप उनको फॉलो करेंगे इंस्टाग्राम पे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं वो अपने फिटनेस के ऊपर। और अगर ये खिलाड़ी सच में अपने आप को नर्चर करता है आने वाले दिनों में, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है अपने आप पे और साथ में उनको अच्छी कोचिंग और अच्छा गेम टाइम मिलता है, तो सच में वो एक बहुत ही बड़े खिलाड़ी साबित हो सकते हैं इंडियन फुटबॉल टीम के लिए। हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे यंग टैलेंट्स हैं जिनके बारे में मैं अपने आने वाले वीडियोज़ में भी बात करूँगा। तो जिन्होंने यहाँ पे स्पोक कॉम्बैट को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया वो प्लीज़ यहाँ पे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिएगा और रेगुलर मेरे वीडियोस को आप लोग देखते रहिए। और आपके लिए तो मैं ब्लॉग्स भी अपलोड कर रहा हूँ जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी डेली, तो प्लीज़ आप उनको भी दोस्तों यहाँ पे जाके फॉलो करिएगा। और मैं विक्रम प्रताप सिंह के बारे में यही बोलना चाहूँगा कि ये जो टैलेंट है इसको यहाँ पे वेस्ट नहीं होने देना चाहिए इंडियन क्लब्स को, जिसमें मुंबई सिटी FC में यहाँ पे विक्रम प्रताप सिंह गए हैं। मैं यही चाहूँगा कि यहाँ पे मुंबई सिटी FC इनको प्रॉपर गेम टाइम दे, भले यहाँ पे उनके पास कोई आने वाले दिनों में हमें फॉरवर्ड में या राइट विंग में एक ऐसा खिलाड़ी मिले जो कि फॉरेन से आया है और बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक्सपीरियंस होल्ड करता हो, लेकिन उसके चलते यहाँ पे विक्रम प्रताप सिंह को गेम टाइम ना मिले तो यह सही नहीं होगा भारतीय फुटबॉल टीम के लिए और भारतीय फुटबॉल टीम के फ्यूचर के लिए। दोस्तों इस वीडियो को करते हैं एंड। वीडियो को लाइक करेगा, कमेंट करेगा अपने राय और साथ में वीडियो को शेयर करिए कि ताकि सभी लोग यहाँ पे विक्रम प्रताप सिंह के बारे में जान पाएँ। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, करते हैं वीडियो को ख़त्म।